डहरिया भट्टा टोला में रात्रि लगभग 12:30 बजे एक ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास के घर में घुसकर दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अनुसंधान से तथा पूछताछ से पता चला कि मृतका की पत्नी का एक लगभग 6 माह से प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति राजू कुमार से चल रहा था और राजू कुमार और मृतका की पत्नी संजोली देवी के द्वारा लगभग 1 माह पूर्व धर्मेंद्र रविदास की हत्या की योजना बनाई गई थी। कटिहार पुलिस ने महज 60 घंटे के अंदर ट्रक ड्राइवर हत्याकांड का है गुत्थी सुलझा लिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टा टोला में 20 जून को गोली मारकर बेरहमी से ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास की हत्या की साजिश उसी की पत्नी सजली देवी ने अपने प्रेमी राजू कुमार के साथ मिलकर रचा था। घटना को अंजाम देने के लिए बंधन बैंक कर्मी प्रेमी राजू ने सुपारी किलर संजीत पंडित की मदद लिया था। इसके एवज में संजीत को तय रकम भी दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले का है पूरी तरह से उद्भेदन करते हुए तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही घटना को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए गए देसी पिस्टल के साथ 8 राउंड गोली भी बरामद किया गया है। घटना के पीछे जो कारण बताया जा रहा है उसमें सजली देवी और बैंक कर्मी राजू कुमार का प्रेम संबंध तो था ही, साथ ही एक और वजह यह भी थी कि बंधन बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के काम करने वाले राजू ने ही संजली के पति धर्मेंद्र रविदास को 90,000 का लोन भी दिलवाया था। और दोनों में चर्चा यह हुआ था कि धर्मेंद्र की हत्या के बाद यह लोन भी खत्म हो जाएगा, आगे दोनों प्रेमी प्रेमिका अपने नई दुनिया बसा लेंगे। बताते चले हत्या की साजिश रचने वाले सजली देवी दो बच्चे की माँ भी है। फिलहाल महज 60 घंटे के अंदर हत्या गुत्थी सुलझाकर पुलिस ने बड़ी उपलब्धि हासिल किया है। को डहरिया भट्टा टोला में रात्रि लगभग 12:30 बजे एक ट्रक ड्राइवर धर्मेंद्र रविदास के घर में घुसकर दो अज्ञात अपराधकर्मियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सूचना के बाद घटनास्थल के निरीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि कहीं न कहीं इस पूरी घटनाक्रम में मृतक धर्मेंद्र रविदास की पत्नी संजुला देवी की भूमिका है। उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान से तथा पूछताछ से पता चला कि मृतका की पत्नी का एक लगभग 6 माह से प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति राजू कुमार से चल रहा था और राजू कुमार और मृतका की पत्नी संजोली देवी के द्वारा लगभग 1 माह पूर्व धर्मेंद्र रविदास की हत्या की योजना बनाई गई थी। उसमें हत्या के कारण में यह बात प्रकाश में आई कि राजू कुमार और संजोली देवी में प्रेम प्रसंग लगभग 6 माह से था और अवैध संबंध भी स्थापित था दोनों के बीच। साथ ही संजोली देवी द्वारा अपने पति के नाम पर 90,000 का लोन लिया गया था बंधन बैंक से। राजू कुमार जो इसके अभियुक्त हैं वो बंधन बैंक में काम करते हैं और उनके द्वारा लोन दिलवाया गया था। लोन के पेमेंट में ये नियम है, जैसा कि राजू कुमार ने बताया कि नियम है कि अगर किसी लोनी की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी कारण से हत्या हो जाती है तो वो लोन माफ़ हो जाता है। इसी उद्देश्य से और प्रेम प्रसंग में ये राजू कुमार के द्वारा अपने ग्रामीण मित्र संजीत पंडित के माध्यम से हत्या कराई गई। हत्या में 50,000 रुपया पर संजीत पंडित से हत्या कराने की बात तय हुई, जिसमें 18,000 रुपया राजू कुमार के द्वारा संजीत पंडित को दिया भी गया था। इसके बाद से दोनों व्यक्ति घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मृतक धर्मेंद्र रविदास सोए हुए थे और उनकी पत्नी के द्वारा दरवाज़ा मेन गेट और कमरे का दरवाज़ा खोल दिया गया, जिसके बाद हत्या करके दोनों फरार हो गए और उनकी पत्नी द्वारा ये नाटक किया गया कि वो बेहोश हो गई थी। और कुछ देर के बाद जब दोनों अभियुक्त भागने में सफल हो गए तब उनके द्वारा अपने देवर को और अन्य लोगों को फोन से सूचित किया गया। इस कांड में शामिल दोनों अपराधकर्मियों की पहचान हो गई है। मोटरसाइकिल और मर्डर वीपन जो देसी पिस्तौल है वो बरामद कर लिया गया है। 8 राउंड गोली भी बरामद की गई है तथा
राजू कुमार के पर्स से संजुला देवी का फोटो भी बरामद किया गया है और कई सारा सिम जो इन लोगों के द्वारा बिना कागजात के लिया गया था वो भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी इसमें मृतक की पत्नी संजुला देवी, राजू कुमार और एक संजीत पंडित। अभी तक राजू कुमार द्वारा यही बताया गया है कि उन्हीं के द्वारा इस हत्या को अंजाम देने की बात स्वीकार की गई थी और पैसे पर संजीत पंडित के द्वारा यह घटना किया गया। बैंक कर्मी की भी संलिप्तता इसमें सामने आ रही है। हाँ, राजू कुमार ही बैंक कर्मी हैं, वो बंधन बैंक में काम करते थे। लगभग 1.5 साल से कटिहार नगर थाना क्षेत्र में वो जो बैंक की शाखा है वहाँ पर पदस्थापित है और बैंक में जो ग्रुप बनाते हैं उसी क्रम में उनको संजुला देवी जो मृतक की पत्नी है उनसे भेंट हुई और उनसे प्रेम प्रसंग उनका बढ़ा। ऐसी ही खबरों के लिए करें C24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।